बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, बीर स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूँ रूबा अरूज और आज हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ब्राय वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज मलिक असद खोखर। वेलकम कहते हैं आपको बीर स्पेशल में। आपको भी एक माह ही हुआ अपनी मिनिस्ट्री जो है वो संभाले हुए, लेकिन आपकी गवर्नमेंट को तकरीबन 1.5 साल से भी ऊपर का टाइम हो गया है। PTI ने जो वादे किए थे और आप जैसे लोग जो कि PTI के नारे पर सियासत में आए थे, क्या समझते हैं कि कितना परसेंट अचीवमेंट हुई? देखिए जी, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से ब्रीफिंग थोड़ी सी आपको दो। मैं एक महीना पहले बतौर वज़ीर इस महकमे का चार्ज मैंने संभाला और जब मैंने देखा कि इस डिपार्टमेंट में काफ़ी कमी कुताहियाँ हैं तो मैंने फिज़िकल चेकिंग की है, जलोपार की, सफारी की, छांगा मांगा की, बांसरा गली मरी की, कलर कहार की, और उसमें मैंने जब जाके सारे विजिट किए तो फिर महसूस हुआ कि ये तो बिल्कुल अदम तवज्जा का शिकार है। 2007 के जो ADP में प्रोजेक्ट इन्होंने डाले थे, साबका हुकूमत के 2 अदवार उसमें गुजरे हैं तो वो मुकम्मल नहीं हो सके। अब उसी प्रोजेक्ट्स को मैंने तकरीबन बतौर मिनिस्टर उसमें ऑर्डर्स किए हैं, टाइम फ्रेम दिया है और इंशाल्लाह एंड ऑफ मार्च ये प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन करेंगे जो 15-20 साल से नहीं मुकम्मल हो सके। स्पेसिफिकली हम बिल्कुल वाइल्ड लाइफ और फिशरीज पे बड़ी डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा आपके पास जो पोर्टफोलियो थे उस पर बात करना चाहूंगी। CM इंस्पेक्शन टीम का पोर्टफोलियो आपको दिया गया, फिर आपको जब डेंगी की जो टीम थी इंस्पेक्शन की उसका भी हिस्सा बनाया गया, फिर आप खुद जो है वो इंस्पेक्ट करते करते खुद भी बीमार हो गए थे, तो होपफुली अब आप अच्छी सेहत के साथ होंगे। देखिये जी, मैं मेरी हमेशा से कोशिश है कि जो भी मनसब अल्लाह ताला की तरफ से अता हो तो उस पर ईमानदारी से काम किया जाए। तो मैंने बतौर वज़ीर आला कंप्लेंट सेल जितना टाइम मैंने गुजारा है, मैंने आम पब्लिक के लिए दरवाजे खोले, हर बंदे की मैंने दादरसी की, हर की एप्लीकेशन देखी सुनी, बतौर इंचार्ज मैंने कहा और उस पर इम्प्लीमेंट भी हुआ। उसके बाद मैं समझता था कि मुझे MPA बन के मुझे कैबिनेट का हिस्सा बनना चाहिए, तो मैंने उसमें रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद फिर मैं बतौर मिनिस्टर ओथ के बाद मुझे चीफ मिनिस्टर ने स्पेशली टास्क दिया कि आप डेंगी, हेल्थ और एजुकेशन, 3 डिपार्टमेंट्स को आप देखें, और चौथा था प्राइस कंट्रोल जी। तो क्योंकि उस वक्त शेर किस्म का ये डेंगी वायरस चल रहा था तो मैंने माजी के लोगों की तरह ऑफिस में बैठ के ये काम करने को पसंद ना किया तो मैं फील्ड में उतरा। तो मेरी ये भी कोशिश थी कि हर उस जगह जाऊं जिधर कोई नहीं जाता। तो मैं जब शालीमार टाउन के एक पसमंदा तरीन इलाके में गया, कमिश्नर लाहौर मेरे साथ थे, एजुकेशन हेल्थ सारे तकरीबन लाहौर के जो ऑफिसर थे मेरे साथ थे, उधर हमने एक्शन भी किया और छोटे छोटे बस्तियों में वो घर थे 2-2 मरले के, 3-3 मरले के, फिर उनमें काफ़ी डेंगू के पेशेंट थे जिनकी हमने इयादत की। तो मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि ये लोग जन्नत में नहीं, ये दोजख में रह रहे हैं। तो फिर मैंने असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार की काफ़ी डांट डपट की। उसके बाद उस एरिया में छोटे छोटे ब्लॉक्स थे जिनमें पानी खड़ा था तो वो नज़र आ रहा था कि उसमें डेंगू की अफजाइश हो रही है, तो उसी जगह से मैं भी मुतासर हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत दे। CM इंस्पेक्शन टीम का और जो रेजिग्नेशन था वो इसीलिए था कि आपको कैबिनेट में जाने की बता दिया गया था? नहीं नहीं, बता नहीं दिया गया था। मैंने खुद भी कहा था कि मुझे कोई टास्क दें जिस पे मैं अपने कौम की, अपने पंजाब की, अपने पाकिस्तान की खिदमत कर सकूं और इमरान खान के VN की तकमील में मैं भी हिस्सा डालूं, मैं भी वो किरदार अदा करूं जो खान साहब का VN है उसके मुताबिक। अभी आपने रिसेंट सुना होगा कि आपकी ही जमात के कुछ MPAs नाराज हो गए और उनका ये शिकवा था कि हमें तो फंड्स नहीं मिलते, हमारी ब्यूरोक्रेसी बात नहीं मानती। तो अब आप भी मिनिस्ट्री में आए हैं और हल्का भी, आप 2 हल्के गालिबन, एक जो है वो NA वाला भी है और फिर आपने PP से भी, सादरफीक वाले हल्के से भी इलेक्शन जीता हुआ है, तो ये बताइएगा कि ब्यूरोक्रेसी कितना इतावन कर रही है? देखें जी, ये परसेप्शन की हद तक तो सारी बातें चलती रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी तावन नहीं करती। ये भी परसेप्शन थी कि चीफ मिनिस्टर को बाईपास कर दिया गया है और चीफ सेक्रेटरी और IG को बाख्तियार बनाया गया है, और ये सब चीज़ें खबर की हद तक तो दुरुस्त थी मगर इसका इम्प्लीमेंट या अमली तौर पर यह कुछ भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब मजबूत चीफ मिनिस्टर है और इमरान खान का स्टैंड भी उस्मान बुज़दार साहब के साथ है,
तो चीफ सेक्रेटरी साहब और आईजी दोनों कंसेंसस के साथ काम कर रहे हैं, और ये जरूर है कि एमपीएस को वो गिले शिकवे जरूर हैं हमारी हद तक, शायद मुझे भी होंगे, कि सियासी तौर पे हमारी वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर क्योंकि इमरान खान के एजेंडे का हिस्सा था, उसकी सियासी बसीरत ये थी कि पंजाब को और पाकिस्तान को सियासी इस टोपी ड्रामे से बाहर किया जाए, तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तान में उसी तरह का राज नाफज हो जिस तरह पूरी दुनिया में है, कि सियासतदान अपने हिस्से का काम करें, ब्यूरोक्रेसी अपने हिस्से का काम करें। तो सिर्फ और सिर्फ हमने जो सबसे ज्यादा स्टैंड लेना है वो करप्शन के खिलाफ है, तो अगर सियासी इन्वॉल्वमेंट होगी तो फिर करप्शन का खात्मा नहीं हो सकता। तो क्योंकि अगर कोई मसला है तो उसको एक बंदा बयान करेगा तो ज्यादा बेहतर है, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करे, जवाब भी ब्यूरोक्रेसी है, तो सियासतदान इन्वॉल्वमेंट अगर रखते हैं तो फिर ब्यूरोक्रेसी कहती है जी ये ट्रांसफर पोस्टिंग तो सियासतदानों ने अपनी मर्जी की करवाई थी, और यही मेरे कप्तान का हुक्म भी है और उनका ख्वाब भी है, तो हम उसको तय दिल से कबूल भी करते हैं, बल्कि मैं वेलकम भी करता हूँ कि इस तरह का जो ट्रांसपेरेंट निज़ाम अब चलना शुरू हुआ है इसको एंड तक चलना चाहिए। फिर एमपीएस तो ये पूछ रहे हैं, आप भी यकीनन पूछ रहे होंगे, फिर हम किस बेस पे अवाम में जाएं, वोट कैसे लेंगे, अगले इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? देखिए जी, मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैंने भी वोट लेके एमपीए बना हूँ, बेशक दूसरे हल्के से हार गया था, तो मैं अपने हल्के की खिदमत करना जानता हूँ, करता हूँ और करूंगा, और ये नहीं है कि मैं चोर चक्कों की अगर सिफारिश नहीं करता तो मुझे वोट नहीं मिलेंगे। शायद अगर उस परसेप्शन में 10 वोट खराब होते हैं तो 90 वोट आप इस बुनियाद पे भी मिलते हैं कि आपकी सियासी डायरेक्शन ठीक है। अच्छा, हल्के में एक सियासतदान के क्या पावर होनी चाहिए? मतलब पुलिस आपकी अगर फॉर एग्जाम्पल बात नहीं सुनती और ब्यूरोक्रेसी के लोग नहीं बात सुनते, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग बात नहीं सुनते, तो फिर कैसे वर्थ कैसे बनती है? देखें जी, मैं बड़ी ऑन ऑथ ये बात करता हूँ कि मैं जिस दिन इलेक्ट हुआ था, इलेक्ट होने से पहले और इलेक्ट होने के बाद मेरी जो सोच थी वो बदली थी। इलेक्ट होने से पहले हमारे भी वही ख्वाब थे कि हम बादशाह सलामत बनेंगे, जीतेंगे, पुलिस हमारे आगे पीछे होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं जीता तो पहले दिन मैं लोगों का शुक्रिया अदा करने गया, तो एक गली में मेरा बड़ा खास सपोर्टर था, उसने कहा कि मलिक साहब वो कल की हमने एक FIR करवाई है तो पुलिस बंदे नहीं पकड़ रहे, तो मैं भी उस खुमारी में था, मैंने फोन किया तो फौरी बंदे पकड़े गए। उसके बाद जब दूसरी गली में दूसरे घर में गया तो उधर बड़ा मजमा था, लोग इकट्ठे थे, शुक्रिया की एक दावत थी, तो जो बंदे पकड़े गए थे वो उनके थे, तो जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा मलिक साहब तुम जितते हो तो पहले दिन साढ़े बंदे पड़वा देते हैं। लेकिन जी वो कैसे हुआ? तो उसी दिन मैंने ये सोचा कि ये वो चीज़ है इमरान खान जो कहता है कि सियासी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। उसी दिन मैंने फैसला किया कि अल्लाह ताला अगर मुझे इस मनसब में रखे और अगली दफा भी कामयाब हो तो प्लीज की सियासत मैं नहीं करूँगा। मैं मीडिया पे ऑन एयर ये बात पूरे वसूख से कहता हूँ कि मैं अपने हलके में प्लीज की इन्वॉल्वमेंट में शामिल नहीं होता, ना मुदई की ना मुलजम की। तो मैं कम अज कम मेरे पूरे हल्के को पता है कि मेरे पास वो डेवलपमेंट के लिए आते हैं, वो सीवरेज के लिए आते हैं, वो दीगर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आते हैं और नौकरी के लिए आते हैं, मगर वो पुलिस के काम लेके नहीं आते, क्योंकि मैंने खुल के ये कहा कि जी पुलिस के मामलात मेरे साथ। अच्छा, थोड़ा सा चले, अगर आपने खुद ही मुकदमात की बात छेड़ दी है तो थोड़ा सा आपके हल्के में एक बड़ा टेरर है खोखर बरादरान का, कहीं थानों में कहते हैं जी मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, क्या इतना किस चीज का खौफ है? नहीं, कोई खौफ नहीं है। जिस हल्के से जीता हूँ इस हल्के में तो मेरा खोखरों का एक घर भी नहीं है। ये शायद आप भूल गए हैं कि ये साथ रफीक इस हल्के से जी जी, लेकिन मैं दूसरे हल्के रायवेंड वाले की बात तो दूसरे हल्के में डेफिनेट उधर तो खोखर ही जीतते हैं और खोखर ही हारते हैं, उस हमारी सारी बरादरी कम्युनिटी है उस हल्के में। तो क्या वजह है, क्यों डरते हैं लोग आपसे? बड़े बड़े इल्जाम लगते हैं जी, तो मुकदमात हैं, ये है। दूसरी बरादरी का आज तक जीत तो नहीं सका, या खोखर जीतता है या खोखर हारता है, तो जरूरी नहीं कि पांच उंगलियां एक जैसी हों, मतलब कि इस तरह की परसेप्शन। हाँ, दुश्मनियां हैं उस हल्के में, तो दुश्मनियां क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं आती, वो तो खानदान खत्म हो चुके हैं उन दुश्मनियों में, तो शायद हमारे घराने भी इसी रो में बहते गए, मगर हमने अच्छे काम किए हैं, हमने सुलह की है, पिछली दुश्मनियां खत्म की हैं, सियासी जिंदगी के आगाज किए हैं,
कारोबारी अपनी साख को बेहतर किया है, मगर अब वो आस्ता आस्ता वो पैटर्न खत्म होता जा रहा है। अच्छा, बरादरी के बेसिस पे ये जो वोट बैंक बनता है और फिर सालों खानदानों में मतलब आगे नस्लों तक दुश्मनियां चलती आती हैं, आपको नहीं लगता कि अब जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, अब मॉडर्न मीडिया टेक्नोलॉजी का दौर है, अब वो शख्सियत परस्ती खत्म होनी चाहिए? नहीं, अब वो बिल्कुल भी नहीं है। अब लोग मेरिट की बुनियाद पर वोट देते हैं, अब वो बरादरीज़म भी खत्म हो गया है और ये चीज बिल्कुल जीरो हो गई है कि आप एक घर जाएं और पूरे गांव के वोट लेके आ जाएं। मेरे ख्याल आप तो एक घर का जो अपने आप को बड़ा चौधरी डिक्लेयर करता है तो वो अपने पूरे घर के वोट भी नहीं डलवा सकता। हर बंदे की अपनी राय, मीडिया ने लोगों को आजाद कर दिया है और जितनी अवेयरनेस मीडिया ने दी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बदला नहीं बदल जा चुका है। तो ये मीडिया की एक तरफ आप लोग तारीफ भी करते हैं, फिर साथ ही जो है वो खान साहब कहते हैं ना अखबार पढ़ें और ना ही जो है वो टीवी देखें। हाँ, बड़ी अच्छी बात की है। इसका जवाब मैं आपको बड़ा आज तफसील से देता हूँ। अब जो कैबिनेट मीटिंग चेयर की थी प्राइम मिनिस्टर ने, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं इमरान खान के उस दौरे इक्तदार में उनका साथी बना हूँ जिसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। तो जब खान साहब ने बड़ी क्लियरली बात कही कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मेरे सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि मैं अपनी पार्टी और अपनी इज्जत बचा के निकलूं, और दूसरा रास्ता था कि मैं अपना पाकिस्तान और इकोनॉमी बचाऊं। तो मैंने अपनी और अपनी सियासी पार्टी की कुर्बानी दे के सिर्फ तरजीह दी पाकिस्तान को, इकोनॉमी को। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा कि जब हम सुई गैस बाहर से परचेज करते हैं 40 सेंट में, तो हम पंजाब और पाकिस्तान के लोगों को देते हैं 25 सेंट में। तो मैं यही तब्दीली लाना चाहता हूं कि लोगों को अब ये समझना चाहिए कि जब हुकूमत कटोरा पकड़ के मांगती है और बाहर हमारी कोई इज्जत नहीं है, ग्रीन पासपोर्ट की इसीलिए इज्जत नहीं कि हम जब जाते हैं अपनी तमा नफसानी आगे रखते हैं, तो मांग के सिर्फ अपनी सियासी पार्टियों के लिए, अपनी सियासी सफर को जारी रखने के लिए हम वो इतनी सब्सिडी दे के तो अपनी सियासत को बचाते हैं जिसकी वजह से आज हजारों अरब डॉलर कर्जों में हम डूब चुके हैं। तो खान साहब यही सबसे मजबूत उनका जो पॉइंट था वो ये था कि आज अगर लोगों की मेरे और मेरी पार्टी के बरअक्स राय है तो इंशाल्लाह एक साल के बाद यही लोग समझेंगे कि हम जिंदा कौम है, हमें वो ही तरीकाकार अपनाना चाहिए, उतना ही पाँव फैलाना चाहिए जितनी हमारी चादर है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम बेहतरी की तरफ आप जाएंगे। अच्छा, अभी खान साहब ने जब विजिट किया तो आपके ही कुछ दोस्तों ने, साथियों ने उनसे सवाल किया था कि अवाम हमसे पूछते हैं कि इतनी महंगाई है, बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, आप बताएं हम क्या करें, क्या जवाब दिया था उन्होंने? देखिये जी, उन्होंने बड़ा खुल के जवाब दिया था कि इस साल के एंड के बाद हम इतनी अच्छी पॉलिसीज लेके आए हैं जो हमने एक साल अपनी साख खराब करके अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने लोगों को अवेयरनेस देने के लिए जो हमने एक साल गुजार दिया है, अब हम पॉलिसीज मेकर बनने जा रहे हैं। अब एक साल के बाद यही राय इंशाल्लाह मुतबादल होगी जो लोग आपको और आपकी पार्टी को जिंदाबाद, 2020 के बाद राय तब्दील हो जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ जो है वो डिपार्टमेंट के हवाले से भी बात करते हैं कि वाइल्ड लाइफ एंड जो फॉरेस्ट और फिशरीज डिपार्टमेंट है वो कर क्या रहा है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बीट स्पेशल में गुफ्तगू हो रही है सूबाई वज़ीर मलिक असद खोखर साहब से और हम बातचीत कर रहे थे कुछ पीटीआई की गवर्नमेंट के हवाले से। आपके डिपार्टमेंट पे बात करना चाहूँगी, आपको जो वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज का डिपार्टमेंट मिला तो ये बताइएगा कि अनफॉर्चुनेटली ये वो डिपार्टमेंट है जिसमें सालों से हम देखते आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा करप्शन हो रही है, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम में नहीं है, लोग जो है वो इस पर ज़्यादा बात नहीं करते और सबसे ज़्यादा करप्शन यहीं पर हो रही है, तो अभी तक क्या आपने क्या एक्सप्लोर किया है? देखिए जी, मैंने जितने अभी तक प्रोजेक्ट्स अनकम्प्लीट हैं वो इसी वजह से हैं कि डेफिनेट उसमें कोई ना कोई खामी तो होगी, तो मैं तो पूरा डिपार्टमेंट के पीछे हूं कि उनको जितनी जल्दी हो सके हम पाया तकमील तक पहुंचाएं। दूसरी बात करप्शन की है तो वो तो अदारे इसके आदि हो चुके हैं, तकरीबन सारे अदारे, और यही वो वजह है जो इमरान खान बार बार बयान करते हैं, तो उसका खात्मा हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। तो मैं इस अदारे को इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि मैं मसाली बनाने के लिए निकला हूँ और मैं अपनी वजारत में अपनी हदूद में रहते हुए मैं इमरान खान के विजन की तकमील और पाकिस्तानी अवाम को ये इंशाल्लाह बेहतरीन गिफ्ट हम मुहैया करेंगे, वाइल्ड लाइफ पार्क और लेक और जितने नए प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे मिनिस्ट्री के दौर में
तीन चार मेगा प्रोजेक्ट अभी जो बनने जा रहे हैं, जो 3 और 4 साल में हम इनॉग्रेट करेंगे, वो है नेशनल पार्क तकरीबन 32,000 एकड़ में है। ठीक, ये कहाँ बनेगा? ये अभी शुरू है, ये इंशाल्लाह 2024 में इसका हम ओपन। ये बनेगा कहाँ पे, किस जगह पे? खुशाब और जेलम बेल्ट सारी उसमें आती है। फिर हम इसको एक बांसरा गली में 1800 एकड़ का पार्क बना रहे हैं, 780 एकड़ का अभी पार्क जो संगे बुनियाद इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक रखेंगे, ये बल्लो की वाली साइड। अच्छा, ठीक। तो इसी तरह चुलस्तान में एक बहुत बड़ा पार्क है, ये 4 पार्क्स हम अभी मेरे इक्तदार में इंशाल्लाह ताला इमरान खान की क्यादत में बनेंगे, उस्मान बाजार की क्यादत में बनेंगे, और उसमें नए हट्स हैं, लेक्स हैं, जिले हैं, इससे टूरिज्म भी डेवलप होगा। अच्छा, थोड़ी सी बेसिक चीजों पे, बिल्कुल जू पे ही बात करना चाह रही हूँ, कुछ बेसिक से आ जाते हैं। जू का नाम लेके या वाइल्ड लाइफ का नाम लेके सबसे पहले चीज बच्चों की इंटरटेनमेंट आती है, जू, लाहौर जू एक नाम था, लाहौर का सेंटर होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में जानवर गायब हुए, जंगले जो है वो खाली नजर आ रहे हैं, उसके बाद वहां से जो कैंटीन्स थी वो खराब होना शुरू हो गई, फिर माहौल इतना गंदा हो गया, अब जाने को दिल ही नहीं करता। और सूजी जराफ जैसे एनिमल्स थे जो बच्चों को अटैक करते थे, खत्म हुए, मर गए, उसके बाद कोई इम्पोर्ट नहीं, कुछ नहीं। सूजी के बाद तो मेरा कोई इंटरनेशनल को पाबंदी है, जिस वजह से अभी उसमें तो हम कामयाब नहीं हो पा रहे, मगर आपने ये देखा होगा कि मेरी हर दूसरे दिन एक ब्रीफिंग चल रही है, तकरीबन जू में 3 दफा मैं जा चुका हूँ, जल्लो पार्क में 2 दफा जा चुका हूँ, सफारी में कल या अब नेक्स्ट इंशाल्लाह वर्किंग डे में जाऊंगा, तो उस पर मैं टाइम फ्रेम दे के आता हूँ कि ये काम इतने दिनों में होगा, और मैं दोबारा उसी दिन आके मैंने देखा। अच्छा, कि कंप्लायंस हुई कि नहीं। वन बात करते हैं, जू एक ऐसा इदारा है जो कि अपना खर्चा खुद उठा सकता है, गवर्नमेंट नहीं उसको, वो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी बनी हुई है और वहाँ पे बजट भी होता है, उसके बावजूद चले सूजी नहीं आ रहा, बाकी जानवर नहीं लाए जा रहे। इसी तरह से थोड़ा सा सफारी और जल्लों के बारे में बताएगा, ये भी अपना अखराज खुद पूरे कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं, लोग पर्सनल लेके जा रहे हैं? ये अपने अखराज पूरे नहीं कर रहे, मगर हम उस दायरे में इनको शामिल करना चाहते हैं ताकि ये अपना वजन खुद उठाएं और एक ऐसा अदारा बने कि लोगों के ये इस दौर में इतना स्ट्रेस है लोगों में कि अगर कोई वीकेंड पे चला जाए तो कम से कम वो हफ्ते का स्ट्रेस वो उधर ही फारिग करके आए। तो ये पूरी कोशिश है कि अगले 2-3 महीनों तक ये चीजों में आपको चेंज नजर आएगी, क्योंकि मैं 1 महीने तक जितना मैं कर सका मैंने किया, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया और टाइम और मुझे मिला तो इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल वो चीजें होंगी जो मेरी और आपकी डिमांड है। जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है हमारे इन इदारों में, सफारी में हो गया, जू में हो गया, इनके बारे में क्या कहेंगे, ये किसको नवाजे जाते रहे? मेरे शदीद तहफात हैं और इंशाल्लाह मैं इन पे मैंने कुछ अहकाम भी जारी किए हैं, कुछ चीजें मेरे से पहले, क्योंकि इन्होंने 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं जो कि मैं समझता हूँ कि वो गलत है, तो उन पे भी हम देख रहे हैं और SOPs भी चेक कर रहे हैं, तो अगर वो अपने काम पे ठीक चल रहे हो तो चलेंगे, वरना हम उनको इंशाल्लाह रिजेक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही रिमूव कर देंगे, वो SOPs देखेंगे, उसके मुताबिक फैसला करेंगे वो क्या क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन। एक दफा एक डिसीजन हुआ जू में, जू में ना जाने की फैमिलीज की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि फैमिली पार्क नहीं रह गया हुआ, वो वहां पर ऐसे मतलब एक अजीब क्लास आई होती है जिसकी वजह से फैमिलीज नहीं जाती। एक दफा एक डिसीजन लिया जो कि कुछ दिनों में वापस हो गया कि यहाँ पर सिर्फ फैमिलीज अलाउ होंगी, मतलब अकेले आप नहीं जा सकते, जेंट्स नहीं जा सकते, या ग्रुप बना के जस्ट हूटिंग के लिए या इस तरह जिस तरह लोग जाते हैं, तो कोई इस तरह की चीजें प्लान में देखिए। उसमें भी मेरे मतलब कि मेरा एक नुकता नजर है कि अगर हम इस तरह करेंगे तो ये भी एक कम्युनिटी के साथ जाती होगी, जरूरी नहीं कि सारे एक माश के लोग जाते हैं, हो सकता है उसमें रिसर्च करने के लिए स्टूडेंट भी जाते हैं तो उनका नुकता नजर कुछ और है, तो ये तो मुमकिन नहीं कि आप सिर्फ फैमिलीज के लिए उसको रिजर्व करें, यंगर्स जाते हैं, मतलब उस पर हम कुछ ऐसा तरीका कर कैमरे लगाए हैं, हम तो पूरा वॉच करते हैं, एक बंदे को वॉच करते हैं, इस पर ईद के दिनों में बड़ा रश होता है। ये मेरी DG साहब से 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई उस पर मेरे थे कि मैंने कहा जी हम इस तरह करते हैं कि उनमें से 1 या 2 दिन फैमिलीज का रिजर्व करते हैं ताकि हर तरह के लोग इसमें आए फैमिलीज की शक्ल में, और जब फैमिलीज आए तो इसमें दूसरे जो उबास किस्म के नौजवान है वो ना एंटर हो सके। अच्छा, दूसरा जानवरों की शॉर्टेज जो है वो इस हवाले से कोई नई पॉलिसी बन रही है? वो बन नहीं रही, मुझे तो इस बात की भी आज तक समझ नहीं आई कि शॉर्टेज क्यों है, मर जाते हैं जबकि जबकि हमारे पास तो वाफर जानवर पड़े हैं, मतलब कि 100+ लाइन है हमारे पास लाहौर में, जू में और सफारी में
मतलब कि अगर हम 50-50 एक जू में हमने कैद करके रखे हैं तो इसी को ही हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। अब अप्रैल 2 या 3 अप्रैल को हम इनॉग्रेशन करेंगे जल्लो पार की, वो लाइन आप उधर भी शिफ्ट करेंगे, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाएं और उसकी इनॉग्रेशन करें और बाकी जो कमी कुताई होगी, ताकि जिस तरह मैं फिजिकल दे के फैसले करता हूँ, मेरे सीएम साहब भी खुद देखें और खुद भी को इनिशिएटिव लें। अच्छा, एक और बड़ी कंप्लेंट जो कि ये सफारी और जू से ही आती है कि जानवरों के जो कब्ज या फिर छोटे जो जानवर, नए न्यू बॉर्न जो जानवर होते हैं, उनको सेल कर दिया जाता है बताए बगैर ही, चुपके से, इस तरह की भी कुछ चीजें सामने आ सकती हैं। देखिए जी, एक महीने में तो अभी तक बड़े आप ये मुहतात हो गए, अब तो मुझे समझ नहीं आने देंगे, मगर मैंने खुफिया कमेटियाँ ज़रूर बनाई हैं। अब मैं अपने अंदाज से भी चेकिंग करता हूँ और मेरे डीजी साहब बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं। डीजी साहब ने अपनी अपने लेवल पे अपनी हैसियत में भी एक कमेटी कायम की है और इसी तरह सेक्रेटरी साहब का भी एक विंग चल रहा है। इस तरह की अगर कोई कंप्लेंट आई तो इंशाल्लाह उसको निशाने इबरत बनाएंगे, जो भी अब गलत काम करेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, दुनिया में अब जो है वो वाइल्ड लाइफ का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, क्योंकि कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, कुछ इस तरह के जू में ऐसी नायाब चीज़ें रखी जाती हैं, हमारे अमूमन वही पुरानी कोई वही जानवर हैं जो कि आम, यानी कि आप कह लो इसी तरह से, जिस तरह अगर हम बात करें सूजी नहीं आ सका, इसी तरह से नायाब नस्ल की अगर हम लाइन्स की बात करें तो वो गायब कर दिए जाते हैं, तो कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट किसी इंटरनेशनल जू के साथ लाइजोन करके हम कुछ एक्सचेंज भी कर सकें। देखें जी, पुराने पाकिस्तान की ये सारी बातें हैं, नए पाकिस्तान में इंशाल्लाह आपको नजर आएगा सब कुछ। क्या नजर आएगा? जिस पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मैं कैटेगोरिकल आपको बता रहा हूँ कि एक महीने में मेरे डिपार्टमेंट्स में आप जाके पता कर लें कि मैं किस तरह काम कर रहा हूँ, तो एक महीने में इतनी कारकर्दगी मैं कहता हूँ कि बहुत है, बल्कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, बल्कि मुझे मेरे स्टाफ के बंदे ने बताया और बड़े अच्छे रैंक पे हैं, जिन्होंने बताया कि सर पिछली मिनिस्ट्रियां तो पूरे दौरे इक्तदार में इतने विजिट करती हैं जितने आप एक महीने में किए हैं। तो अभी विजिट का मतलब इंफॉर्मेशन लेना है, तो इनिशिएटिव लेना भी अभी बाकी है, वो भी हम करेंगे। फिशरीज भी आप जो है वो देख रहे हैं, वहाँ पे क्या हालात हैं, क्योंकि ये तो ऐसा छुपा हुआ डिपार्टमेंट है कि इतनी सारी चीजें हो भी जाती हैं और पता कुछ नहीं चलता। ये भी मैं समझता कि मेरी खुशकिस्मती है कि इस मिनिस्ट्री के अयाम में ज़बरदस्त 2 प्रोजेक्ट्स अब चलने जा रहे हैं जो नेक्स्ट मंथ से ये ऑपरेशनल हो जाएंगे, केज श्रम के और फिशेस के। ये हम 20-80 की रेशो से हम आवाम तक ये सम्राट पहुंचाएंगे, ये वर्ल्ड बैंक के तावन से, और प्राइम मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव था और पीएम साहब ने इस पे बेरोज़गारी के खात्मे के लिए ये एक स्कीम का भी इनकार किया था। तो हम 5,000 केज का कर रहे हैं प्रोजेक्ट पंजाब में, फिशेज का और श्रम का। और दूसरी, एक प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल ऑर्डर जारी किया था कि जितनी पंजाब में बेकार ज़मीनें पड़ी हैं, हमारी भी डिमांड थी और प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे अहकाम जारी किए कैबिनेट ने, उसमें काफ़ी ज़मीन हमें ज़रात ने, इरीगेशन ने और औकाफ ने वो क्लियर करके दी हैं, जिसपे हम 11.5-12 एकड़ में तकरीबन वो फिश फार्मिंग के लिए तैयार करके बना के हम बेरोजगारों के लिए वो भी एक स्कीम फौरी तौर पे लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बाद मरहल पंजाब में काफी हद तक बेरोजगारी का भी खात्मा होगा। एक नेचुरल फिशरीज पॉइंट तो खैर लाहौर में बहुत ही भूली जाए, वो रावी पे ही जो दूर जाके जब भी पानी होता था तो वहां पे होता था, कोई इस तरह के पॉइंट्स नहीं मेंटेन किए जा सकते? ये मैंने आते सबसे पहले जो मेरी इनके साथ मीटिंग हुई फिशरी डिपार्टमेंट के साथ, तो ये मेरी डिमांड थी कि लाहौर में कम से कम 3-4 पॉइंट्स ऐसे डिक्लेयर करें जिधर फैमिलीज जाएं और वो खुद मतलब फिश का शिकार करें और उधर पकाएं खाएं। ये बड़ी जबरदस्त एंटरटेनमेंट होगी। तो उसमें काना काछा में एक हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी अगले हफ्ते तक या 2-3 दिन तक हम इनॉग्रेशन करेंगे। एक इसी तरह सैफन वाली साइड पे कर रहे हैं, हेड बल्लो की में एक कुदरती एक झील थी जिसमें हमने वो फैमिलीज के लिए पर डे 50 रुपीज का लाइसेंस अलाउ किया है और मेरे ख्याल सालाना 1,000 का है, तो फैमिलीज जाए खुद उधर शिकार करें, फिशिंग करें, और उधर ही हमारा 750-780 एकड़ का पार्क भी उधर हम बनाने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ, तो उसी में वो कुदरती झील थी जो हमने स्पेशल अलाउ किया है फैमिलीज के लिए।
अच्छा जी, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है कि और अगर इस तरह के पॉइंट्स लाहौर में बन जाते हैं तो यकीनन लाहौरियों के लिए एक बहुत ही आउट क्लास ये इंटरटेनमेंट होगी। दूसरा, लाइसेंस, ये जो शिकार के लाइसेंस है, इस हवाले से भी बड़ी कॉन्फ्लिक्टी चीज़ें चलती रही हैं कि किसी स्पेसिफिक अगर किसी एनिमल का शिकार करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस फ़ी मुकर्रर की जाती है, लाइसेंस बाकायदा दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद गैर कानूनी जो शिकार हैं उसकी एक बड़ी तादाद हमें रेड्स की सूरत में भी नज़र आती है। अक्सर वाइल्ड लाइफ की टीम जो है वो रेड कर रही होती है, फिर स्मगल कर दिए जाते हैं कुछ जानवर हों, बर्ड्स हों, इस तरह। इस हवाले से क्या पॉलिसीज हैं? देखिए, इस पर हम बड़ा काम कर रहे हैं। तकरीबन ये शिकायत पहले तो थी, अब एक महीने से ऐसी एक भी शिकायत मसूल नहीं हुई कि किसी जगह इलीगल शिकार किया गया, क्योंकि अभी तक तो मेरा डिपार्टमेंट खुद भी ये सोच रहा है कि अब हमने ये ना करना है ना करने देना। इसका मतलब आपका डिपार्टमेंट खुद कराता था? देखिए, मैं अगर खुद चोर नहीं हूं ना तो मेरे डिपार्टमेंट में चोरी नहीं होगी। जिस दिन मैं चोर हो गया उस दिन मेरा डिपार्टमेंट भी चोर हो जाएगा। तो ये डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व होते हैं? हाँ जी, डिपार्टमेंट के लोग खुद इन्वॉल्व होते हैं इस चीजों में? उसमें कुछ गंदी मछलियां हैं, मतलब सारे लोग तो इन्वॉल्व नहीं होते, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट भी है, बड़े कोऑपरेटिव मेरे स्टाफ के लोग हैं। अब मैंने उनसे कहा है कि हमने काम करना है, तो बल्कि मेरी तो उस दिन मीटिंग में एक ही डिमांड थी कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सवाई इसके कि जिस दिन मैं ये वजारत छोड़ के जाऊं तो लोग सिफारिशों से इस वजारत का कलमदान मांगे, इसको हमने कामयाब करना है। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ मजीद गुफ्तगू करते हैं। सूबाई वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नासरीन, बीट स्पेशल में हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर ब्राय वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज मलिक असद खोखर। कुछ बातचीत कर रहे थे हम डिपार्टमेंट के हवाले से कि लाइसेंस हो शिकार के लिए या फिर जो है वो सफारी जूज में जो कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला हो, सब में कहीं ना कहीं अपने डिपार्टमेंटल लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर करप्शन होती है या फिर कोई गैरकानूनी काम होता है तो कहीं ना कहीं जो है वो ताल्लुक बनता है। थोड़ा सा ये बताइएगा मलिक साहब कि आपके फंड्स की क्या सूरत हाल है, फंड्स दस्तयाब हैं डिपार्टमेंट के लिए मजीद प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए या फिर आपको भी वही प्रॉब्लम है? नहीं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फिशरीज में वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी फंड्स आ रहे हैं, नेशनल से भी आ रहे हैं, और जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसमें प्रोविंशियल हमारे फंड्स अपने हैं और WWF के इश्तराक से ये चार पार्ट्स आप बना रहे हैं। तो फंड्स का आप लोगों को कोई इशू नहीं है? वैसे पहली मिनिस्ट्री देखी है जिनको फंड्स का प्रॉब्लम नहीं आ रहा? कोई नहीं है, बस थोड़ा सा उसका है कि कमी पेशी रहती है टाइम में, तो वो भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस दौर में ये काम मुकम्मल हो जाए जो जो हमने टाइम डिसाइड किया है। अच्छा, इससे पहले ऐसा भी होता रहा है कि वाइल्ड लाइफ के मनसूबों के नाम लिख के फंड्स मुख्तस किए जाते हैं और वो फिर कहीं और लगा दिए जाते हैं? अभी तक मेरे सामने ऐसी कोई बात आई नहीं, जब आएगी तो इंशाल्लाह उस पर भी हम एक्शन वाला होगा तो जरूर करेंगे, बट ये है कि अब हमने काम करना है, अब इस डिपार्टमेंट की भलाई बेहतरी के लिए हम करेंगे। दूसरी बात है कि मैंने करप्शन फ्री के हवाले से जो मेरे अपने इनिशिएटिव हैं वो ये है कि लाइसेंस को हम डिजिटल करने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि उसका डिजिटल होने का हमें और डिपार्टमेंट को ये फायदा होगा कि लाइसेंस का पहले से ही पता होगा। दूसरा, हम जू पे आ जाएं, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लाहौर जू वाला है, इसको हम ई टिकटिंग में इंशाल्लाह इनॉग्रेट करेंगे फौरी तौर पे, ताकि इसका भी जो ऑनलाइन सिस्टम हो, फैमिलीज अपने घर से बैठे और घर बैठे वो अपनी ऑनलाइन टिकट भी बुक करवाएं, और इसका ट्रांसपेरेंट जो भी अच्छा डिजिटलाइजेशन हाँ, की तरफ आप जा रहे हैं। अच्छा, कुछ ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब की कितना कोऑपरेशन है आपकी मिनिस्ट्री की तरफ, आपके डिपार्टमेंट की तरफ? मैं मतलब कि अगर उनकी तारीफ करूंगा तो वो शायद पंजाब के लोग समझेंगे मैं खुशामद कर रहा हूँ। मेरे तो बड़े अच्छे प्यार करने वाले हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे चीफ मिनिस्टर हैं, मेरे कप्तान भी हैं, मगर ये है कि जितना उस्मान बुज़दार साहब सारे महकमों में पर्सनल, मतलब कि हर मिनिस्टर को वो टाइम देते हैं, हर सेक्रेटरीज को अहकाम जारी करते हैं, हर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा चीफ मिनिस्टर मुझे नजर नहीं आएगा कि इसके बाद ये इससे पहले आया हो। आप डीजी खान में भी कोई काम कराएं ना, फिर आपको भी टाइम देंगे। तो डीजी खान पार्क बन रहा है उधर भी, मतलब कि अच्छी बात है कि डीजी खान सबसे पसमानदा तरीन डिस्ट्रिक्ट है, तो देखिए वो भी पंजाब का हिस्सा है, उन लोगों की महरूमी भी खत्म होनी चाहिए। अगर चीफ मिनिस्ट्री का कलमदान उनके सर पे गया है
तो उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से पसमानदा तरीन ज़िले से अल्लाह ताला ने ये मनसब अता किया है। और दूसरी बात है कि जो एक ही नारा चलता था कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाया जाए, तो अब अगर बराबरी की बुनियाद पर छोटा और बड़ा की तमीज़ ख़त्म करते हुए चीफ मिनिस्टर साहब उस एरिए को भी फंड से नवाज रहे हैं जो बिल्कुल पसमानदा था, तो मेरा ख्याल है कि ये तो अच्छा इकदाम है, इसको तो हमें वेलकम कहना चाहिए बजाय कि इस पे हम तनकीद करें कि फंड डीजी खान कोई इंडिया तो नहीं है, डीजी खान भी पंजाब है। एतराजात क्यों उठ रहे हैं ये, फिर कौन एतराजात उठा रहा है? देखिये कुछ लोगों को बड़ी ख्वाहिश है कि वो चीफ मिनिस्टर बने, वो अपनी तरफ से इस तरह की गलत अफवाहें फैलाते हैं। कुछ अपोजिशन, क्योंकि वो आजकल एहतसाब की जद में है, खाया पिया उनका निकल रहा है, तो वो अब और कुछ नहीं कर सकते, वो तनकीद तो उनका मतलब वो समझते हैं कि ये तो बड़ा आसान हाल है, साजिशें करते हैं और कुछ भी नहीं। इत्तेहादियों के साथ कैसे ताल्लुक है? इत्तेहादी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ठीक है और हमारे साथ पूरे 5 साल के लिए वो इतादी हैं और रहेंगे 5 साल। अभी रिसेंट एक रिपोर्ट जो है वो हमने खुद भी ब्रेक की, उसमें डॉक्यूमेंट थे कुछ पीएनडी डिपार्टमेंट के खास लोगों को फंड्स जारी हुए, जिस तरह मुल्तान शाह महमूद कुरैशी साहब के हल्के के लिए फंड्स अच्छे खासी अमाउंट, इसी तरह से काफले जो गुजरात में स्पीकर जो हैं पंजाब असम्बली के उनके हल्के के लिए तकरीबन 2 अरब के फंड्स जो है वो जारी हुए, तो ये कोई स्पेसिफिकली टारगेट करके फंड्स दिए जा रहे हैं चुप करवाने के लिए या मेरिट पे हो रहा है? देखिए जी, मैं ऑन ईयर ये बात कर रहा हूँ कि मेरे सीएम साहब से भाइयों वाले तलक हैं, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई एक पैसे के फंड कोई दीगर एमपीए के अलावा अगर मुझे मिले हैं तो फिर ये मिसाल किसी और जगह पे भी स्टैंड करती होगी। दूसरी बात है कि चौधरी परवेज लाई साहब हमारे स्पीकर भी हैं, हमारे इतादी भी हैं, तो अगर ये सिर्फ मीडिया की हद तक खबरें हैं, आज उनका जो मजबूत स्टैंड था वो फंड का ही तो डिमांड कर रहे हैं कि हमें फंड्स और दिए जाएं। मतलब कि अभी तक तो तमाम को यकसा और पूरे ईमानदारी से फंड्स की फरामी जारी है, उसमें ना किसी को ज्यादा मिले हैं ना कम मिले हैं। हाँ, जो पसमानदा डिस्ट्रिक्ट हैं उनको मिलने चाहिए, बल्कि मैं मीडिया के तवसल से चीफ मिनिस्टर को अपील करता हूँ कि जो जितने हमारे पसमानदा अजला हैं उनको भी तरक्की याफ्ता अजला में शामिल करें, ताकि कोई ये ना कहे कि इमरान खान के नए पाकिस्तान में कोई पीछे रह गया, सबको बराबरी की बुनियाद पर फंड्स मिलने चाहिए। जहांगीर खान तरीन साहब का कितना इन्वॉल्वमेंट है अब पार्टी में? नहीं, पार्टी में तो उनका इन्वॉल्वमेंट पहले भी था, अब भी है, मगर तरीन साहब का जुडिशली के फैसले के बाद जो मीडिया साबित करना चाहती उस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो हमारे बड़े हैं, वो अपने मशरों से मतलब कि आप जब कोई बाप भी रिटायर्ड हो जाता है तो अपने बच्चों को मशरे तो देता है घर बैठा, तो उनका हमसे मशरों वाला रिश्ता और तलक जरूर है, बाकी इन्वॉल्वमेंट उनकी। तो ये तासर क्यों मौजूद है कि अभी भी पार्टी के मामला वो चला रहे हैं, एमपीएस हो गए, सीएम हो गए, वो सब उनकी मर्जी से चीजें इधर उधर सफल होती हैं? बिल्कुल, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ इस तरह की तमाम बेबुनियाद इल्जाम की। प्राइम मिनिस्टर ने खुल के ये बात कही है कि उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के वज़ीर आला और बाख्तियार कप्तान है। ये कैसे हो सकता है कि कप्तान के होते हुए कोई दूसरा बाख्तियार हो? स्वाए उस्मान बुज़दार साहब के किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है, चीफ मिनिस्टर हैं, मजबूत हैं और फैसला करने की कुव्वत है उनमें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का क्या रोल है अभी पंजाब में आप देख रहे हैं? वो गवर्नर है, जो गवर्नर का रोल है वो अपना ऐसा तरीके से अपना रोल अदा कर रहे हैं। कुछ ये इल्जाम भी लगे कि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और गवर्नर पंजाब की जानिब से कुछ इस तरह की साजिशें की गई, कोई सीएम बनना चाह रहा था, कुछ लोग एक जो है वो ग्रुप धड़ा एक्टिव था, तो इस हवाले से इंटरनली क्या मामला है? देखिए ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है जो इस तरह की खबरें ब्रेक करते हैं या करवाते हैं। गवर्नर पंजाब हों, चौधरी परवेज लाई साहब हों या वजीर आला पंजाब हों, ये तीनों एक पेज पे हैं, तीनों इमरान खान के सिपाही हैं, तीनों को इमरान खान की क्यादत पे भरपूर इत्माद है और इंशाल्लाह ताला ये पंजाब की तरक्की के लिए मिलके काम करते हैं और करते रहेंगे। जो धड़ेबाजी है ग्रुप पार्टी में वो शुरू से एग्जिस्ट करती है, इस चीज पे आप भी एग्री करेंगे? नहीं, मैं इसको इस पे बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। पंजाब में कोई धड़ेबाजी नहीं है, एक वजीर आला है, नहीं एक वजीर आला और जितने एमपीएस हैं वो उसकी क्यादत पे इत्माद का इजहार करते हैं। इसी तरह वफाक में धड़ा तो वो होता है जो खुल के सामने आए, जो नजर आए, तो
तो हमें तो वो चश्मा ही नहीं अभी तक मिला जिससे हमें नजर आता हो कि कोई धड़ेबाजी है, पता नहीं बाकी लोगों को किस तरह नजर आता है। वो चश्मा नहीं मिला आपको। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो तंजीम साजी हो रही है जमात की, हाँ जी, पार्टी की, उसको किस हद तक शफाफ देखते हैं? क्योंकि बहुत से लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि जो कारकुन थे उनको इग्नोर करके कब कोई किसी मिनिस्टर के बंदों को अकोमोडेट किया जा रहा है, तो कोई जो पार्टी में अहदेदारान है उनके लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है। कारकुन नाराज हैं और लोग बताते हैं हमें। देखिए जी, अब पाकिस्तान में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, हमने डिलीवर करना और करवाना है। ये नहीं हो सकता कि जो अहलियत रखता है उसको हम घर बैठा दें और जिसके पास अहलियत नहीं उसको हम किसी ओहदे से नवाजें। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त टीम ग्राउंड में उतारी है जो तंजीम साजी के हवाले से फैसले कर रही है, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। पंजाब में एक भी ऐसा इंसिडेंट मुझे या केस मेरे सामने तो नहीं आया जिधर ये हो कि नजरियाती कारकुन घर चले गए और पकड़े पकड़ाए लोग आगे आ गए। जिस तरह लाहौर में भी इसी पैटर्न पे तंजीम साजी हुई है, तो मैं मीडिया के तवसल से ये अपील करता हूँ कि इस तरह की गलत खबरें आप नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल सही तरीके से पार्टी भी चल रही है, गवर्नमेंट भी चल रही है, लेकिन हम खुद तो नहीं चलाते ना। हमें कारकुन शिकायत करते हैं तो हम फिर वो चीज रिपोर्ट करते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि आप जिस तरह भी पार्टी को चलाएं या जिस तरह भी हुकूमत को चलाएं, तो 100% तो किसी जगह से राय नहीं आती कि 100% लोग ये नहीं कहेंगे कि जी जबरदस्त काम हो रहा है। फिर भी तनकीद जिसको नहीं मिला वो तनकीद करता है। जो लोग आपकी जमात को जिन्होंने ज्वाइन किया था दूसरी पार्टियों से आके, हाँ, आपको लगता है वो डोमिनेट कर गए कहीं कुछ जगहों पर? नहीं, कोई ऐसी कोई मेरे सामने तो कोई ऐसी मिसाल नहीं। जैसे पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग आए, अब अहम मिनिस्ट्रीज उनके पास हैं? नहीं, देखें जी, जिसने पार्टी के लिए कुछ काम किया है तो उसको अहलियत की बुनियाद पे पार्टी ने जिम्मेदारियां भी दी हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों से पाकिस्तान की खिदमत भी कर रहे हैं। हाँ, सजा जजा एहतसाब का अमल हमारी पार्टी में भी है। अब जो नहीं परफॉर्म करेगा, मैं समझता हूँ कि मेरे समेत उसको खुद घर जाना चाहिए। ये ना हो कि खान साहब भेजें या कप्तान फैसला करे, तो जो काम करता है वो ग्राउंड का हिस्सा बनेगा, जो काम नहीं करेगा, खा वो जहां से भी आया, अब वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। फवाद चौधरी साहब ने बल्कि बड़ी खुल के कुछ दिन पहले जो है वो तनकीद की पंजाब की हुकूमत पे, क्या वजह थी, क्या लड़ाई होगी उनकी आपस में? देखिये जी, जब एक मीटिंग होती है ना हमारी कोर की, तो उसमें सिर्फ फर्क ये है कि पहले की हुकूमतें या पहले की पार्टियों में दो लोग बरसर इक्तदार आके नौज बिल्ला खुदा की हैसियत रखते थे, कोई कोई बोलने की जसारत नहीं करता था। तो अब इमरान खान की पार्टी और इमरान खान की हुकूमत में इजहार राय का हर बंदे को हक है। अगर वो अपने नुक्ता नजर से कुछ बयान आता है तो वो उसका अपना नुक्ता नजर है। तो मेरा ख्याल मुझे अपनी राय का इजहार करना चाहिए, सबको अपनी अपनी का करना चाहिए। तो फवाद चौधरी साहब थोड़े से हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जज्बाती हैं, शायद उनका कोई नुक्ता नजर अपने अंदाज में कुछ सही या गलत पेश कर उनके हल्के में। ये तो नहीं है कि फंड्स ही नहीं गए, ऐसा ऐसी कोई खबर ही नहीं है। अगर ऐसी खबर होती तो उनको अपने हल्के को पिन पॉइंट करना चाहिए था। वो पंजाब पे तो बात नहीं कर सकते, मतलब कि मैं पंजाब पे बात तो तब करूंगा जब मैं एग्जांपल अपने हल्के की दूंगा। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने अभी, हम रिसेंट अगर एग्जांपल लें जो केपीके की, वहां के तीन मिनिस्टर्स को जो है वो कलमदान वापस ले लिया, हाँ, और फिर कुछ ही दिन बाद, दो तीन दिन बाद बड़ी खुशगवार मूड में उनकी मीटिंग भी चल रही थी, तो ये क्या मामला आते हैं? खुद ही कुछ खिलाड़ी इधर उधर किए जाते हैं? खुद ही नहीं किए जाते। देखिये जी, जो भी वो तो खान साहब को पता है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन और उस बुनियाद पे उन्होंने कुछ किया है, तो जिस पे एक्शन होगा, कल को मेरे पे भी खुदा ना खासा होता है तो ये तो मेरे पे अल्लाह ताला ने फर्ज है ना मुझ पे कि मैं जाके अपनी क्लियरेंस दूं कि ये सही था या गलत था। तो वो तीन वज़रा भी गए हैं, उन्होंने खान साहब को अपना नुक्ता नजर दिया होगा। तो पंजाब में भी किसी के जाने का कोई इशारा दे के गए खान साहब? वैसे मेरी ख्वाहिश है कि किसी साजिश अनासर को जाना चाहिए जो हर 30 दिन के बाद एक नई साजिश तैयार करता है और फिर 30 दिन के बाद चीफ मिनिस्टर की ख्वाब में वो मुब्तला हो जाता है, तो उस फोबिया से किसी एक की कुर्बानी होनी चाहिए। ये नाम तो बताए ना जरा, ये किस कौन है एहसान? वो जिस दिन कुर्बानी होगी वो पता चल जाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सुबाई वजीर मौजूद थे, और प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इसके साथ ही रूबा अरूज को बीट स्पेशल से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।